नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल रात आतंकवादियों ने बीजेपी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और आपको बता दें, इलाके में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। #MeToo कैंपेन के तहत बीजेपी सांसद MJ अकबर पर एक महिला पत्रकार ने रेप का आरोप लगाया है। अमेरिका में रहने वाली पत्रकार पल्लवी गोगोई ने एशियन जज में काम करने के दौरान अपने साथ रेप की घटना का जिक्र किया है। पल्लवी ने ट्वीट किया, मैंने काफी संघर्ष किया लेकिन वो शारीरिक तौर पर मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा रेप किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जनधन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। इन खातों में उस समय 42,187 करोड़ रुपए जमा हुए। चिदम्बरम ने कहा कि जनधन खातों के जरिए सही तरीके से वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार रिकॉर्ड तोड़ने और चर्चा में बने रहना चाहती है। चिदम्बरम ने इसे मोदी सरकार का एक और जुमला करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राफेल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी की कंपनी घाटे में चल रही थी तो उसे दसों ने 284 करोड़ रुपए क्यों दिए। राफेल डील की वजह से ही CBI के चीफ को हटाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच में पार्टनरशिप थी। इस पूरी डील में सिर्फ दो ही व्यक्तियों को फायदा पहुंचा है, वो दो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी। सुप्रीम कोर्ट में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जहां चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चारों जजों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले जजों में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर जजों की संख्या 28 हो गयी। असम के तिनसुकिया में कल संदिग्ध उग्रवादी हमले में 5 बंगाली लोगों की मौत हो गयी। इससे लोगों में काफी आक्रोश फैला है। इस हमले के बाद उल्फा के प्रचार विभाग के सदस्य रोमेल आसोम ने चिट्ठी जारी कर कहा कि इस फायरिंग में उल्फा का कोई हाथ नहीं। आपको बता दें, हमले के बाद आज आसाम बंद रहा। कई जगहों पर लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही बीजेपी ने तेलंगाना के लिए 28 और मिजोरम के लिए 24 उम्मीदवारों की घोषणा भी की। CM शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। मंत्री माया सिंह का टिकट कट गया है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन उत्तर से मंत्री पारस जैन को एक बार फिर से टिकट मिला है। मुंबई के पास भाईंदर में शुरू हुई RSS की कार्यकारिणी बैठक आज समाप्त हो गई। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर संघ ने कहा कि सरकार जमीन अधिग्रहण कर मंदिर का निर्माण करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 393 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में ये स्तर 416 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है, जबकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में ये बहुत खराब दर्ज किया गया। किंग खान ने आज अपना 53वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान शाहरुख के घर मन्नत के बाहर आधी रात से ही फैंस का ऐसा जमावड़ा लगा जैसे कुंभ का मेला हो। लेकिन किंग खान ने अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं कराया और उनके साथ बर्थडे मनाने के लिए अपनी टेरेस पर आ गए और फैंस को कभी हाथ जोड़कर कभी फ्लाइंग किस कर धन्यवाद दिया। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। नमस्कार।